Hello you guys, this is Nikki. Hope you're doing absolutely fantastic. Welcome back to my channel. So I'm back with another makeup video. This time it's going to be a very interesting video because मैंने मेकअप वीडियोज को काफी किए हैं. वेडिंग वाले भी आई गेस मैंने किए, बट दिस टाइम आई विल बी क्रिएटिंग अ गेस्ट शादी लुक. आई होप इट मेक्स सेंस. सो या सो मैं क्रिएट कर रही हूँ एक वेडिंग लुक, लाइक एक गेस्ट वेडिंग लुक जो कि होगी रात की शादी और या रिसेप्शन या व्हाटएवर इट इज. सो रात के फंक्शन के लिए आई एम गेटिंग रेडी. आई विल बी जस्ट लेटिंग यू गाइज नो अबाउट द टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स फॉर रात की शादी, जिससे आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहे. और बेसिकली अभी शादी का सीजन चल ही रहा है और समर है, एज यू गाइज नो बहुत ज़्यादा गर्मी है. स्पेशली मैं जहाँ पे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. सो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहे, सो आई एम हियर फॉर दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ओके, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि मुझे जानते हैं उनको पता ही होगा कि आई डू हैव एक्सट्रीम ड्राई स्किन, और जिनको नहीं पता है उसको मैं बता देती हूँ कि आई डू हैव एक्सट्रीम ड्राई स्किन. सो ड्राई स्किन के लिए आपका जो बेस है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम मॉइस्चराइज होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो अच्छे से स्टिक करे, वो फिर थोड़े टाइम के बाद केक ही ना लगने लगे. दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. सो फॉर दैट आई विल बी जस्ट यूजिंग दिस सेटाबिल का मॉइस्चराइजर एंड I will be just prepping my skin very well. अच्छे से prep करना है skin and you have to make sure कि moisturizer और जो भी products आप use कर रहे हो just to moisturize your skin, वो आप अच्छे amount में use करो. So वो आपके skin में आपके makeup को long lasting बनाए. Done with the moisturizer. So next I will be using this primer. This is Nykaa का Prep Me Up primer और I will be just using two, जिससे जो मेरा pores है वो अच्छे से close हो जाए और जो makeup है वो अच्छे से sit करे, you know, cake ही ना लगे. So I will be using a good amount. इससे जो आपका base है वो एकदम smooth हो जाता है और जो आपका मेकअप है वो अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस कलर करेक्टर पैलेट एंड आई एम इन दिस शेड मीडियम टू, और इसमें आई विल बी जस्ट यूजिंग द डार्कर शेड, दिस शेड, और इससे मैं अपना जो अंडर आई है और जो भी सारे पिगमेंटेड एरियाज है उसको कवर करूंगी. जो मेरे पिगमेंटेड एरियाज है उसके लिए आई विल बी जस्ट यूजिंग दिस ऑरेंज शेड, दिस वन. मैं अपने फिंगर्स से अप्लाई कर रही हूँ. इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ ब्रश, यू कैन जस्ट टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर. एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर, दिस इज फ्रॉम पैक, और इससे मैं जो है अच्छे से को सेट कर दूंगी. ओके, नाउ आफ्टर दिस आई विल बी जस्ट यूजिंग द फाउंडेशन. सो आज मैं दो फाउंडेशन मिक्स कर रही हूं. सो द फर्स्ट वन इज दिस मैट वन एंड द अदर वन इज दिस मिलाने वन. सो बेसिकली इसमें एक शेड डार्क आ गया है. सो इसको मैं लाइट कलर की शेड के साथ मिक्स करके आई एम जस्ट माय शेड. अब मैंने दो शेड्स को मिक्स कर लिया है. आई एम जस्ट अप्लाइंग इट. Now I will be just using this Swiss Beauty ka concealer. This is again one of my favorite these days. मुझे ये वाला concealer काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है.
आजकल मैं ये काफी ज्यादा यूज कर रही हूँ एक्चुअली. सो आई विल बी जस्ट अप्लाई दिस अंडर माई आईज जहाँ पे मैंने कलर करेक्ट किया था वहाँ पे. आई विल जस्ट अप्लाई इट जहाँ पे मेरे पिगमेंटेड एरियाज है वहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी. मैंने मेरे थोड़ा लिट पे भी अप्लाई कर दिया है. अगेन आई एम टेकिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर जिससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था एंड आई जस्ट ब्लेंड इट ऑल टुगेदर. नाउ मैंने कंसीलर पूरा सेट कर दिया. आफ्टर दैट आई विल बी जस्ट यूजिंग दिस मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर एंड जस्ट टू पैक द कंसीलर जो कि मैंने अभी अप्लाई किया था. एंड आई एम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश taking it और जो भी लेफ्ट ओवर होगा उसको मैं अपने पूरे फेस में अप्लाई करूंगी. नाउ आई विल बी टेकिंग दिस अनदर ब्यूटी ब्लेंडर ठीक है एंड आई एम टेकिंग अ मेकअप फिक्सर और मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको बस मैंने इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया है जस्ट अ मेकअप फिक्सर एंड व्हाट आई विल डू जो मैंने अभी लूज पाउडर लगाया था उस पर ही ऊपर मैं डैब डैब कर दूंगी जस्ट टू लॉक माय बेस एवरीथिंग. Just do it in the dab 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 form. मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया है. Okay. Now we are done with the base. अभी हम करेंगे brows. So now I am taking this spoolie जिससे मैं अपने brows है वो अच्छे से comb कर लूंगी. जो भी gaps है मेरे brows में मैं उसको अच्छी तरीके से fill कर लूंगी. Can you see the difference? This brow जिसमें मैंने gaps fill किए and this is my natural brow. So brow make a huge difference आपके पूरे makeup look में. As you guys can see this part and this part. So quickly I will just fill my this brow as well. Done with my brows. अभी जो most important part आएगा that is eyes. So जो look है वो पूरा ही change हो जाता है. It's totally depend on your eyes. आपके eyes में आप किस तरीके का you know eye makeup करते हैं. So that's totally depend on that. So आज हम बहुत ही simple और glittery look करने वाले हैं. मतलब एकदम hooey और dewy में glittery kind of a look करने वाले हैं. So I will just show you what exactly I'm doing. For this look, I will be just using my all-time favorite Jane Charles ka makeup palette, and I will be just using as my dress is sort of blush pinkish. So हम इसमें एक pinkish color का tone लेने वाले हैं. That must be this tone. This is not pura pink. But yeah, this is sort of pink because इसके अलावा दूसरा option मेरे पास है that is this pink. But this is gonna be too dark for you know as per my dress to my eyes. I'm taking this fluffy brush. So I will be just covering my whole lid. एक ही color से you have to cover it like पूरा eyelid. So you can just take any fluffy brush, okay, जो भी आपके पास हो. So मैंने एकदम light सा किया, मतलब एक ही बार मैंने लिया था and I just covered my whole eye. After that, I will be just taking this Swiss Beauty का glitter shade and this is kind of a rose gold, जो कि मेरे color से थोड़ा बहुत match हो रहा है. I will take a flat brush. और जो इसके टिप में है
आई विल बी जस्ट गेटिंग दैट टू माई ब्रश और उसको मैं पूरे अपने आईज पे लगाऊंगी. कैन यू सी? नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, अभी ये मैंने इसको लगाया लिक्विड, राइट? जो लिक्विड है उसको मैं अच्छी तरीके से पैक करूंगी विद अ पाउडर आई शैडो. सो फॉर दैट आई विल बी टेकिंग दिस ग्लिटरी शेड. दिस इज काइंड ऑफ अ पिंक विच कॉम्प्लीमेंट्स माई ड्रेस. सो इसको मैं लेके आई विल बी जस्ट अप्लाइंग टू माई लिप्स. ठीक है, सिर्फ ये जो ऊपर ऊपर है ना, जस्ट टू पैक इट. Look at my eyes. मतलब मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, बट स्टिल इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग. अभी इसका आधा ही पार्ट हुआ है, अभी हम आगे जाएंगे, बट टिल नाउ यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर. सो दैट्स इट, हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने वाले. अब लेट मी जस्ट कंप्लीट द सेम टू माई अनदर आई. After eyes, I will be just curl my lashes. Taking this L'Oreal ka mascara. This is a really, really wonderful mascara, I would say. Abhi ke liye, this is one of my favorite. Now, after lashes, I'm just using this Rene ka eyelashes. Okay, so the lashes is totally skippable. Agar aapko nahi chahiye, you can just completely skip this. Jisko volume chahiye hota hai in their lashes, they can just use that. Agar aapko nahi chahiye, you can just completely skip this. Isme aap eyeliner lagaoge and you're good to go. So you can just keep on watching, but those who don't want to use the lashes, they can just completely skip this step. Now done with the eyelashes, abhi I will be just using this eyeliner just to enhance my eyes. So usually ये step पहले करते हैं, but इस बार मैं बाद में कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपने eyelashes लगाती हूँ उससे तो आधा eyeliner मिट ही जाता है. So better कि एक बार जब आप eyeliner eyelashes लगा दो उसके बाद eyeliner लगाओ, if you can. या वट एवर यू प्रिफर, लाइक पहले आप आई लाइनर लगा सकते हो, फिर आई लैशेज लगा सकते हो, यूजली दैट इज द राइट वे. नाउ आई एम टेकिंग, और इसमें मैं ये जो ब्राउन शेड है, नॉट ब्राउन, काइंड ऑफ अ पिंकिश शेड जो कि मैंने अपने बेस में लगाया था, आई विल बी जस्ट अप्लाइंग टू माई लोअर लैशेस. यू कैन सी द डिफरेंस, दिस साइड एंड दिस साइड. और आपको कुछ भी लगे कि इफ इट्स समथिंग एक्सेस, आई एम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश जस्ट टू डस्ट इट ऑफ. ओके, नाउ वी आर डन विथ आवर आईज. Now the most interesting part, that is contour. So we'll just contour our face just to make it sharp. I'm just taking a brush, contour, or I'm just starting it yahan se, mere kaan ke, like this, from there to this. अभी मैं अपने जॉ लाइन पे भी लगाऊंगी, अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी, सब जस्ट क्लियर डूइंग दैट. नाउ आई विल जस्ट कंटूर माय नोज अ लिटिल बिट. अब इस सबको मैं पैक कर दूंगी विद द मेकअप फिक्सर. आई विल बी जस्ट Thank you.
Just taking this blush. This is one of the best blush, I believe, जो कि मैंने अभी तक यूज किया है. So, मैं इसको अपने apple of the cheeks में नहीं लगा रही हूँ, just to make it sharp. मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ. Using the highlighter, this is Nykaa ka stroke cream and I'm just applying it. Now I'm taking the highlighter just to highlight my inner corners. और जो मेरे ब्राउ बोन है उसको मैं करूँगी. यू कैन जस्ट टेक एनी शिमर शेड अगर आपके पास आई शेडो में. इफ़ यू डू हैव अ गोल्डन शेड यू कैन टेक दैट. सो एनी शेड विल वर्क. जस्ट टेकिंग दिस पॉइंटेड ब्रश. सो कैन यू सी वी आर ऑलमोस्ट डन. अब सिर्फ लिपस्टिक लगानी है और वी आर ऑल डन. सो फॉर लिपस्टिक मैंने सोचा है कि लिप्स थोड़े सटल रखूँ क्योंकि मेकअप इतना लाउड है. सो लिप्स थोड़े से मैं लाइट रखूँ. सो फॉर दैट आई एम जस्ट यूजिंग द न्यूड शेड, माई ऑल टाइम फेवरेट. फॉर दैट आई विल बी जस्ट यूजिंग दिस मेबलिन का मिड टाउन पिंक. फर्स्ट आई विल जस्ट लाइन माई लिप्स टेकिंग दिस ब्राउन कलर. Just using this shade in midtown pink. So this is how the look turned out. Abhi Indian look without a bindi, it's not complete for me. It's incomplete. Yes, now you can see the look is totally complete. And we'll be just taking the dupatta and I'll be just right back. So I'm back and this is how the look turned out. A complete look. And yeah, this is how it turned out. I really love how it looks like. आप मुझे पता आपको कैसा ही look लगा. मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. So you guys let me know how you really like this video, and if you like this video hit the like button, share and subscribe if you haven't subscribed it yet, and hit the notification bell to just get an update whenever I post a new video. And yeah, see you in my next video. Till then, bye.